हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्काईटेच स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दिखाया था, जो कि अलग लेआउट का था, अलग डिज़ाइन का था। और उस स्क्रिप्ट में हम एक स्टेप मिस कर गए थे, जो कि बहुत ज़रूरी है वो करना, जिससे लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही स्टेप बताऊँगा, और इससे स्क्रिप्ट का एडमिन पैनल भी कैसे चेंज करते हैं मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ, जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। ये वेबसाइट हमने बनाई थी और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही हमने इसमें कोई फ़ोल्डर बनाया और फोल्डर बनाने के बाद सॉन्ग अपलोड किया, तो सॉन्ग अपलोड तो हो जा रहा है लेकिन वो प्ले या डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखिए, चलते हैं किसी कैटेगरी पे, और यहाँ पे हमने जो सॉन्ग अपलोड किया, यहाँ पे दो सॉन्ग है, इस किसी एक को ओपन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये सॉन्ग ओपन कर लेते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ये ऑनलाइन प्लेयर है तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है। तो और यहाँ पर डाउनलोड बटन है, तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एरर आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं पिछली वीडियो में मिस कर गया था। तो चलिए हम आज इसको इस वीडियो में बताते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जाना है इस वेबसाइट के सी पैनल में। तो इसका सी पैनल ओपन करेंगे, पे लिख देंगे, यहाँ पे सी पैनल में जाएंगे हम, और सी पैनल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर है, इसमें जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, इसमें जाएंगे, और इधर एक फोल्डर है साइट अपलोड्स, इसको डबल क्लिक करके इसमें जाएंगे, और यहाँ पे एक फाइल है सेटिंग्स डॉट पी एच पी, इसको हम एडिट करेंगे। तो इसको एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शन है, कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अदर साइट के कुछ यूआरएल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि इन यूआरएल की जगह पर हमें अपनी साइट का जो यूआरएल है, ये कॉपी कर लेते हैं हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल, और इसको यहाँ से कॉपी करके, और जहाँ जहाँ पे ये हमें यू आर एल शो रहे हैं तो इनकी जगह पे हमें अपना साइट का यू आर एल पेस्ट कर देना है। हमें सिर्फ अपनी यू साइट का यू आर एल पेस्ट करना है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। जैसे कि ये साइट अपलोड्स है, इसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ और सिर्फ साइट का यू आर एल चेंज करना है। जितनी जगह पर हमें ये साइट यू आर एल शो हो रहा है, इसमें चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए, सभी जगह से हम चेंज कर देते हैं, अपनी वेबसाइट का यू आर एल हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे कुछ साइट के हमारे टाइटल कीवर्ड हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी साइट से रिलेटेड टाइटल कीवर्ड है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी आपको ये डेमो के लिए ही दिखाना है। तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है अपना यू आर एल, और फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब साइट को हम रिफ्रेश करके देखेंगे, अब वो एरर हमारा ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कैसे का, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इनको सबको सिलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो अब हम अपनी वेबसाइट को जाएंगे, देखेंगे इसको रिफ्रेश करके कि एरर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। किसी फोल्डर में जाते हैं और फिर से किसी सॉन्ग को क्लिक करके देखते हैं। तो सॉन्ग्स पर जाएंगे, और देखिए यहाँ पर अब हमारा सॉन्ग्स है वो प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन इशू हो सकता है। तो यहाँ पे डाउनलोड पेज बटन पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ये वर्क कर रहा है, प्लेयर ओपन हो रहा है, डाउनलोड के लिए भी रेडी है। तो हमारे ये इशू फिक्स हो चुका है। अगर आपका इतना करके भी आपका एरर ये ठीक नहीं होता है, अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में। तो एडमिन पैनल में जाएंगे, एडमिन पैनल देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, और इसको हम चेंज भी करेंगे इस वीडियो में, बताऊँगा आप अपना खुद का इसे में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एडमिन पैनल ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जाएंगे अदर में और सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे साइट के यूआरएल शो होंगे। अगर आपको यहाँ पे किसी अदर साइट के यूआरएल शो हो रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी साइट के यूआरएल चेंज कर देने हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा और आपका एरर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी वेबसाइट का जो एरर था वो कम्प्लीट कर लिया है। तो अब जाएंगे हम अपने सी पैनल में, और अब हम करेंगे अपनी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है उसको चेंज करेंगे।
तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 10-12 स्टेप हैं, तो वो फॉलो करेंगे। तो इसके लिए मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या स्टेप्स हैं, तो मैंने इसकी एक फ़ाइल बना के तैयार कर दी है। इसकी एक पोस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो एक वेबसाइट है, ओपन करेंगे हम। यहाँ पे वेबसाइट है myhindi.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसको हम ओपन करते हैं। इसमें यहाँ पे हमने एक नोट पैड की वो बना के डाल दिया है स्टेप जो फॉलो करने। तो देखिए यहाँ पे साइट को ओपन किया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे ये पोस्ट डली हुई है। तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन पैनल कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स हैं इसके। तो ये फर्स्ट स्टेप दिख रहा है हमें, पब्लिक अंडरस्कोर HTML फाइल में जाएँ। यहाँ पे इसका इमेज है, देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस फोल्डर में आपको वेबसाइट का एडमिन पैनल फोल्डर होगा, उसको रीनेम करके जो आपको रखना है वो टाइप करें। तो चलिए हम अपने यहाँ पे एडमिन पैनल में, पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जो एडमिन पैनल का फोल्डर है इसको सिलेक्ट करके रीनेम पे क्लिक करेंगे, और जो हमें अपना नेम रखना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ गेट डैश एडमिन। यहाँ पे इसको मैंने रख दिया और इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने कर दिया रीनेम। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा ये एडमिन पैनल का फोल्डर का नेम है वो रीनेम हो चुका है। अब जाएंगे हम सेकंड स्टेप पे और यहाँ पे देखेंगे पब्लिक अंडरस्कोर HTML, इसके अंदर है एडमिन पैनल का फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल है .htaccess, उसको एडिट करें। तो उसको एडिट करना है, चलिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जो हमारा एडमिन पैनल फोल्डर है उसमें जाएंगे और यहाँ पे हम htaccess की फ़ाइल को एडिट करेंगे। अगर आपको आपके सी पैनल में ये फाइल शो नहीं हो रही है तो इसके लिए हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो ये फाइल शो हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले कर रखी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। देखिए अब मेरी ये htaccess गायब हो गई है, मुझे शो नहीं हो रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर सेटिंग्स पर जाएंगे और इधर शो हिडन फाइल्स को हम चेक करके सेव कर देंगे। तो देखिए हमारी htaccess फाइल शो हो चुकी है, इसको वो एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब देखेंगे हमें यहाँ पे स्टेम में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 5 को एडिट करना है और ओल्ड नेम की जगह पे हमें अपना न्यू नेम सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए नंबर 5 पे ओल्ड एडमिन पैनल है, इसको हम सिलेक्ट करके हटा देते हैं और अपने जो अपना न्यू दिया उसको डाल देते हैं और फाइल को कर देते हैं सेव और फाइल कर देते हैं क्लोज। तो हमारा देखिए हो चुका है। अब जाते हैं हम थर्ड स्टेप पर और थर्ड स्टेप में भी जाके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है एडमिन पैनल के फोल्डर में skyitech mp3.php को एडिट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम skyitech mp3.php, सॉरी ये फाइल गलत तो ओपन हो चुकी है। तो देखिए ये वाली है skyitech mp3.php, इसको एडिट करेंगे। और कहाँ पे एडिट करना है तो हमें एडिट करना है यहाँ पे अपना एडमिन पैनल का URL। तो देखिए यहाँ पे ये रहा, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हटा देंगे और अपना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फाइल को कर देंगे सेव और क्लोज कर देते हैं इसको। अब देखिए अगला स्टेप पे चलते हैं, फोर स्टेप। पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाएंगे और इसका अटैच का फोल्डर और उसके अंदर एप्स का फोल्डर और उसके अंदर बैकेंड के अंदर कन्फिक के अंदर app.yml को एडिट करें। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, तो इसमें पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाएंगे। तो यहाँ पे कोई skyitech का फोल्डर नहीं है, skyitech की जगह पे ये विशाल नेम का आ रहा है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये skyitech होता है, तो मैं आपको इसको चेंज करके दिखा दूँगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं उसका भी मैं वीडियो बना दूँगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे में अभी ये है, तो मैं इसको skyitech की जगह पर ये ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर ऐप्स के फोल्डर में जाएंगे और इसके अंदर बैकेंड के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर app.yml की फ़ाइल, इसको हम एडिट करते हैं। इसको हमें क्या एडिट करना है, नंबर 3 और नंबर 12 को हमें एडिट करना है। उसकी जगह पे ओल्ड नेम की जगह पे हमें न्यू नेम डालना है। तो देखिए नंबर 3 पे ये रहा, यहाँ पे सिर्फ हमें एडमिन पैनल का नेम सिलेक्ट करके उसको हटा के अपना डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों जगह पर कर दिया और फाइल को कर देते हैं सेव और कर देते हैं क्लोज़। अब चलते हैं अगला स्टेप, यहाँ पे 5 स्टेप में पब्लिक अंडरस्कोर HTML, skyitech का फोल्डर, एप्स का फोल्डर, उसके अंदर बैकेंड के अंदर lib और उसके अंदर myuser.class.php फाइल है, उसको एडिट करना है और 322 और 342 को हमें एडिट करना है। तो चलिए बैक चलते हैं।
देखिए ये रहा एल आई बी का फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे, ये रही माइक यूज़र क्लास डॉट पी एच पी, इसको हम एडिट करते हैं। तो हमें क्या एडिट करना है, 322 और 342। तो चलिए चलते हैं, 322 पे जाएंगे। तो देखिए ये रहा यहाँ पे 322, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको चेंज कर देंगे अपने न्यू नेम से। तो यहाँ पर अपना न्यू नेम डाल दिया और 342 एडिट करना है। यहाँ पे देखिए ये रहा, इसको सिलेक्ट करते हैं और एडिट करते हैं, चेंज करके सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारी ये फाइल होगी सेव, इसको कर देते हैं क्लोज़। अब चलते हैं अगला स्टेप, यहाँ पे देखिए पब्लिक अंडर स्कोर HTML, उसके अंदर Skyitech एप्स और उसके अंदर बैकएंड, बैकएंड के अंदर मॉड्यूल्स का फोल्डर, मॉड्यूल्स के अंदर कैटेगरी का फोल्डर, उसके अंदर एक्शंस का फोल्डर और एक्शंस के अंदर एक्शंस क्लास डॉट पी एच पी, ये वाली फाइल है, इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर कैटेगरी का फोल्डर, इसके अंदर एक्शंस, एक्शंस के अंदर एक्शंस क्लास डॉट पी एच पी, इसको एडिट करेंगे। क्या एडिट करना है यहाँ पे देख लेते हैं, 545 और 547 को हमें एडिट करना है। तो चलिए 545 पे चलते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पे 545 और इसको सिलेक्ट करते हैं, सेव कर देते हैं अपना नया नेम, यहाँ पे डाल देते हैं और सेव करते हैं फाइल को और फाइल करते हैं क्लोज़। अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML, उसी के अंदर मतलब मॉड्यूल्स के अंदर ही है, मॉड्यूल्स के अंदर एक फाइल्स का फोल्डर है, उसके अंदर एक्शंस, उसके अंदर भी एक्शंस क्लास डॉट पी एच पी की फाइल है, उसको एडिट करना है। चलिए बैक चलते हैं, तो मॉड्यूल्स के अंदर फाइल्स का फोल्डर, फाइल्स के अंदर एक्शंस का फोल्डर, यहाँ पे फाइल्स का अंदर एक्शंस का फोल्डर, एक्शंस के अंदर एक्शंस क्लास डॉट पी एच पी की फाइल को हमें एडिट करना है। और क्या एडिट करना है, 564 और 611 और 613। तो चलिए 564 पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है 564। तो देखिए ये रहा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और अपना डाल देंगे। और 611 पे ये रहा, और 613, और 613 पे भी देखिए ये रहा, यहाँ पे डालेंगे, इसको अपना डाल के सेव कर देंगे फाइल, क्लोज कर देंगे। अगला स्टेप पे चलते हैं, तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML, Skyitech एप्स और मॉड्यूल्स का फोल्डर, उसी के अंदर फाइल्स के अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर, और टेम्पलेट्स के अंदर DIR कैच डॉट पी एच पी की फाइल है, वो है, देखिए ये रहा यहाँ पर टेम्पलेट्स का फोल्डर, इसके अंदर DIR कैच डॉट सक्सेस की फाइल, ये यहाँ पर एडिट कर दी। क्या एडिट करना है, 90 और 91 और 123, चलिए 90 देखिए ये रहा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट कर देंगे। और ये देखिए 91 पे भी इसको सिलेक्ट करेंगे और डाल देंगे अपना, और यहाँ पे 123 ये रहा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और अपना डाल के फाइल सेव, और फाइल को कर देते हैं क्लोज़। अगला स्टेप चलते हैं, देखिए 9 स्टेप पे आ गए, यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स के अंदर फाइल्स का फोल्डर, फाइल्स के अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर, टेम्पलेट्स के अंदर लिस्ट सक्सेस डॉट पी एच पी, यानी कि जिस फोल्डर में अभी हमें इसी में लिस्ट डॉट ये सक्सेस पी एच पी, तो इसको एडिट करेंगे। क्या एडिट करना है, 141 पे एडिट करना है। तो चलिए 141 पे चलते हैं, देखिए ये रहा यहाँ पे 141 कहाँ गया, इधर ये रहा यहाँ पे नेम, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और अपना डाल देते हैं, फाइल कर देते हैं सेव और क्लोज़। अब चलते हैं अगला स्टेप, तो देखिए इसमें 10 स्टेप दिए हैं, तो लास्ट स्टेप आ गया हमारा, इसमें पब्लिक अंडरस्कोर HTML, उसके अंदर Skyitech एप्स का फोल्डर, बैकएंड का फोल्डर, मॉड्यूल्स के अंदर अपडेट्स का फोल्डर, अपडेट्स के अंदर एक्शंस का फोल्डर, उसके अंदर एक्शंस क्लास डॉट पी एच पी को एडिट करेंगे। चलिए चलते हैं, मॉड्यूल्स का फोल्डर, तो देखिए मॉड्यूल्स के अंदर अपडेट्स का फोल्डर है, अपडेट्स के अंदर एक्शंस का फोल्डर, इसके अंदर एक्शंस क्लास डॉट पी एच पी की फाइल है, इसको एडिट करेंगे। और क्या एडिट करना है देख लेते हैं,
118 और 120, चलिए 118 और 120 का चलते हैं। 118 देखिए ये रहा यहाँ पे, और इसको देखिए ये रहा नाम, इसको सिलेक्ट करते हैं, अपना डाल देते हैं, और ये रहा यहाँ पे, यहाँ से हटाते हैं, अपना डाल देते हैं, फाइल करते हैं सेव। और देखिए अब हमारे यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखिए हमारे, तो अब हमारा एडमिन पैनल चेंज हो गया होगा, देखिए चेक करते हैं। तो हमने जो डाला है देखिए यहाँ पर अपनी साइट का नेम और गेट एडमिन यहाँ पर डाला, देखिए हमारी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है वो चेंज हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अभी अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।